नेक्स्ट में एक टॉपिक है वो समझने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये कर रहे हैं उस बैंक का भी लगाए, उसमें तो सेविंग का छूट रहती है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हमें इनकम टैक्स में ये ध्यान करने के लिए जरूरी होता है कि टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम टैक्स आपका कितना लगेगा। रेजिडेंशियल में और सिटीजनशिप में डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट ये गरीब का आगे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले रखी है, लेकिन अगर वो कुछ क्राइटेरिया फिल करता है और वो इंडिया में भी रेजिडेंट हो जाता है तो उसको टैक्स इंडिया में ज्यादा पे करना पड़ेगा। उसकी सिटीजनशिप से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो एक इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन की है वो कितनी बन रही है इंडिया में, ये देखने के लिए अपन रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। उसको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल से नहीं है, पर्सन कई तरह के होते हैं इसमें। आपने आता है इंडिविजुअल भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आता है, कंपनी भी आता है, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोई है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, तो वो सब इसमें पर्सन में आते हैं। आज अपन जो पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो है इंडिविजुअल। भैया अपन ये देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। इसमें बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, बेसिक और एडिशनल। इतना ब्याज नहीं तो इसमें जुड़ जाता है। दो कंडीशंस होती है, बेसिक और एडिशनल, जिसकी अपन एडिशनल की बात बाद में करेंगे। पहले अपन बेसिक को समझते हैं, बेसिक में क्या आता है। कभी भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का देखें ज्यादा नहीं होना, तो अपने कॉपी में या नोट्स बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि 182 डेज को बड़ा बड़ा लिख लें। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो आपको एक पेज खोलते हैं बड़ा बड़ा दिख जाएगा 182 डेज। अब 182 डेज का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में स्टे करता है तो वो एक बेसिक कंडीशन जो है रेजिडेंट की वो फुलफिल करता है। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, 60 और 365। कई बार क्या होता है कि कई इंडिविजुअल 182 दिन नहीं रहते प्रीवियस ईयर में, वो उससे पहले वापस चले जाते हैं। उसके लिए क्या देखा जाता है कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन तक इंडिया में स्टे करे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करे, उसके अलावा 365 दिन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले वाले जो 4 साल है उसमें वो कम से कम 365 दिन तक इंडिया में स्टे करना चाहिए। ये दोनों अगर उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर देता है तो वो हो जाता है इंडिया का रेजिडेंट। इसके बाद अपन एडिशनल कंडीशन पे जाते हैं, किसी ने बेसिक कि दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर ली तो अपन को उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। उसमें एक आती है 2/10। इसका मीनिंग अपन ऐसे समझते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपना कटा कितना पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके 10 सालों में अगर 2 साल तक बेसिक कंडीशन में कोई सी फुलफिल कर देता है तो उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन इसमें देखें अपन, दूसरी कंडीशन थोड़ा 730 डेज रिफंड बड़ा ये भी अपने पीपीवाई हो जाएगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर वो किसी 7 सालों में प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 7 सालों में अगर 730 दिन तक अगर वो कोई भी इंडिया में स्टे करता है 730 दिन तक
तो उसकी एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है बेसिक और एडिशनल कंडीशन में, पता कितना दूर रिफंड गया यहाँ पे अपन ने देखा था बेसिक कंडीशन में और लगा हुआ था। इसका मतलब है कि बेसिक में से दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट तो हो जाएगा, लेकिन एडिशन में अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी उसका एडिशनल का ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट होगा। इसको अपन ऐसे देखते हैं ऑर्डिनरीली ये ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन की एक फुलफिल कर दे और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर दे तो वो हो जाता है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। हर कोई इंडिविजुअल अगर बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है और एडिशनल की दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाता है या एक भी कर देता है तो भी वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि वो रेजिडेंट तो है लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और जो बेसिक की एक कंडीशन और एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल करता है वो अपने इंडिविजुअल कहलाता है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 5000